हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, जो कि 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों के, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज हम लोग सौरमंडल, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में और ग्रह के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा आपको नाभिकीय संलयन प्रोसेस के द्वारा आपको सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कौन से प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस के द्वारा आपको जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होने के लिए चंद्रमा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होना चाहिए। सूर्य ग्रहण के लिए जो है ना, चंद्रमा को सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो आपको क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आपको आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य से आपको निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है, जिसको उप सौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को उप सौर के नाम से जाना जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी होती है। देखिए ना, 3 जनवरी है, 3 है तो कम है तो सबसे कम दूरी, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, जिसको अप सौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अप सौर 4 जुलाई को होता है, ज्यादा डेट है तो आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ना, आपको 4 जुलाई को ज्यादा दूरी होता है, जिसको अपसौर के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको अर्थ और आपको सन के बीच होता है 4 जुलाई को। सूर्य का आकार पृथ्वी के कितना गुना है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का 109 गुना है। सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार का लगभग 109 गुना है, 109 गुना आपको पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। हमारे पास अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका उत्तर उत्तर क्या हो जाएगा? जो बुध है वो आपको सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में आपको बुध सूर्य का चक्कर लगाता है, 88 डेज। ठीक है, 88 दिनों में आपको सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे कम दिनों में बुध। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है? तो आपको बुध और शुक्र ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सैटेलाइट। ठीक है, कोई भी आपको उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का और शुक्र का। शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी आपको उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज वीनस। आपको जो सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, हॉटेस्ट जो प्लेनेट है सबसे गर्म ग्रह, वो शुक्र है, जिसको हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा या और भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है, इवनिंग स्टार, और आपको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है शुक्र को। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन, सबसे सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको शुक्र है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, जो कि आपको सूर्य की परिक्रमा आपको 88 दिनों में लगाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको, इन सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा आपको ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। आपको इन सारे चारों क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में हमने देखा, लेकिन हमारे पास प्रश्न ये था, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अभी हमने बताया कि इवनिंग स्टार किस जो है ना ग्रह को जाना जाता है, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों आपको शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, मॉर्निंग और आपको इवनिंग स्टार, जिसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी को भोर का तारा, वही भोर का तारा मतलब आपको मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार अभी हमने क्या बताया? शुक्र बताया, तो यहां से आपको बी ऑप्शन सही होगा। हमारे पास पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन।
हमारे पास अगला प्रश्न जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो मंगल मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? जो आपको मैगलन अंतरिक्ष यान था वो शुक्र के लिए भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया था? शुक्र के लिए। मैगलन आपको पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। मैगलन वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मैगलन ही आपको पहला व्यक्ति था जिसने पूरे वर्ल्ड का क्या लगाया था, आपको चक्कर लगाया था, पूरे विश्व को चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। आगे की बात करें तो पृथ्वी का व्यास कितना है, तो आपको पृथ्वी का त्रिज्या केवल याद कर लेती है, 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या है। जब पृथ्वी का त्रिज्या 64 है तो आपको इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसका 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको ये इसका क्या मिल जाएगा, व्यास तो 64 गुना 128, आपको जो है ना 128 फिर 00 आ जाएगा, ये आपको जो है क्या हो जाएगा, आपको पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का त्रिज्या केवल याद रखिए 6400 किलोमीटर, ठीक है। आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल आकार का है? अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल आकार है, ठीक है। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल आकार का है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी जो है ना आपको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी क्या है आपको? ग्रीन प्लेनेट, ठीक है, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के पास, सूर्य से चला गया जो आपको प्रकाश होता है उसको कितना लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 400 वैसे 99 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड भी ऑप्शन में आ सकता है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी आ सकता है, तो जो भी 8 मिनट के सबसे नजदीक होगा उसको लगा दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 8 मिनट ही ऑप्शन है तो आप 8 मिनट को लगाएंगे, ठीक है, इनमें से कोई तो ऑप्शन है नहीं, और वैसे भी 8 मिनट के आसपास जो ऑप्शन होगा उसी को टिक लगाइएगा। तो हमारे पास पृथ्वी को पहुंचने में, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड 20 सेकेंड के आसपास समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो आपको 365 दिन और आपको 1 दिन का चौथाई भाग, मतलब आपको 0.25, इसीलिए हर 4 साल पे जो है ना ये आपको जो है ना चौथाई भाग है। 0.25 क्या है आपको? 1/4 है ना, 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा मतलब 1 दिन का चौथाई भाग, तो 0.25 दिन आ जाएगा। तो यही जो है ना हर चौथे 4 साल के बाद जो है ना क्या आ जाता है आपको, लीप ईयर जो है ना आता है इसी के कारण। तो पृथ्वी को जो है आपको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 365 दिन अगर ऑप्शन में आएगा तो 365 दिन लगा दीजिएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन है 365.25 तक आपको यही लगाना होगा, फिर गलत हो जाएगा, नहीं तो ये आपको 365.25 दिन आपको जो है ना सूर्य की परिक्रमा लगाने में आपको पृथ्वी को लगता है 365.25, ठीक है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको गैलीलियो ने किया था बृहस्पति का, बृहस्पति जो ग्रह है उसके जो चंद्रमा है, बृहस्पति ग्रह के जैसे पृथ्वी का जो चंद्रमा उपग्रह है वैसे भी बृहस्पति का भी जो है उपग्रह है, मतलब बृहस्पति का भी जो चंद्रमा है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? तो आपको बृहस्पति आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वीनस के नाम से भी जाना जाता है इसको, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो वीनस जो है ना आपको सौर मंडल, अरे यार वीनस शुक्र को बोलते हैं, मैं गर्म ग्रह पे मेरा ध्यान चला जा रहा है बार बार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बृहस्पति की। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर, ठीक है। तो आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बृहस्पति है, जुपिटर है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। इसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। खैर आगे की ओर, शनि को सैटर्न कहते हैं। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न ये है, सबसे भारी ग्रह, तो सबसे भारी ग्रह वही आपको बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर। आगे की ओर अगर
हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि जो है ना, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है आपको? रिंग है। ये जो शनि, मान लीजिए कि ये जो है ना आपको शनि प्लेनेट है, तो इसके चारों तरफ क्या पाया गया आपको? रिंग। आपको ये जो है ना आपको उसके चारों तरफ जो है ना, ये जो शनि है उसके चारों ओर वलय है, रिंग है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा, सबसे बड़ा जो है ना उपग्रह किसका है? तो टाइटन जो है ना शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है भाई? तो टाइटन है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन आपको निम्नलिखित में से आपको इंटरनेशनल आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा IAU द्वारा, IAU एक जो है ना आपको संस्था है, ठीक है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में आपको प्लूटो को ग्रहों, मतलब जो ग्रह था उस ग्रह की परिभाषा को जो है ना फुलफिल नहीं कर पाने के कारण आपको ग्रह की श्रेणी से उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो जब तक प्लूटो था तब तक ग्रह की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब हमारे पास जो है ना टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को हम लोगों ने ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है? बौना ग्रह का दर्जा दिया है हमने आपको। ये आपको इसको ग्रह का दर्जा नहीं है, इसलिए आपको आपको नई परिभाषा के अनुसार, IAU के नई परिभाषा के अनुसार 2006 में प्लूटो को जो है ना आपको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया था हम लोगों ने? हटा दिया था। और इस तरह से हमारे पास अभी टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सी ऑफ ट्रंक्युलिटी कहाँ पे है? तो चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रंक्युलिटी कहाँ पे है भाई? तो चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रंक्युलिटी, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो मानव ने चंद्रमा पे आपको पहला कदम 1969 में रखा। कब रखा? 1969 में। तो ये मत बोलिएगा दूसरा कदम, तो दूसरा कदम भी ऑब्वियस सी बात है 1969 में ही रखा होगा, ठीक है, 1969 में ही आपको दूसरा कदम भी रखा होगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपको कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब हमने बोला था? चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा जो है ना आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता था। लेकिन सूर्य, अब हमारे पास जो है ना चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। पृथ्वी किसके बीच आ जाएगा आपको? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य ग्रहण कब हमने बताया था? सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हमने कब बताया था? जब चंद्रमा आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता था। चंद्रमा क्या आ जाता था आपको? बीच में। यहाँ पे क्या है आपको? पृथ्वी। चंद्र ग्रहण में क्या आएगा आपको? पृथ्वी बीच में आएगा। चंद्र ग्रहण में कौन आएगा बीच में? पृथ्वी जो है ना बीच में आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। बेमेल जोड़ा चुनना है, इनमें से कौन जो है ना आपको अलग है? तो मंगल क्या है भैया? इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो एक ग्रह है। बुध क्या है? ये सबसे छोटा, मतलब जो है सबसे छोटा भी ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है, तो ये भी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ये भी ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। लेकिन चंद्रमा जो है ना ग्रह नहीं, बल्कि ये क्या है भाई? ये चंद्रमा जो है ना आपको उपग्रह है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन सब में बाकी सब क्या है आपको? ये सारे के सारे ग्रह है, और ये क्या है आपको? अलग है, ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इस तरह से आज का क्वेश्चन इतना ही। हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, ये आपको ब्रह्मांड था, ये इसको जो है आप साइंस का भी पार्ट कह सकते हैं, या आप सोशल साइंस में भी जो है ना ज्योग्राफी, जो ब्रह्मांड वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सौरमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।